तो इसकी पता क्या है, मंत्री हो, वीआईपी हो, अधिकारी हो, कोई टेंशन नहीं, सबका चलान होगा। दोस्तों अगर आप भी ओवर स्पीड चलते हो ना, तो भाई ओवर स्पीड वालों का सरकार ने पक्का इलाज कर दिया परमानेंट। अब ओवर स्पीड चलने वालों को ना भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, और ना वे बच सकते, क्योंकि पूरा डिजिटल हो गया ये। देखो पूरा हाईवे है ना, पूरा डिजिटल लगा दिया है, कैमरे लगा दिए है, और अपना स्पीड मीटर है, सब कुछ लगा हुआ है। मान लो अगर आप ओवर स्पीड जा रहे हो तो भाई चलान पक्का है। अभी जैसे देख रहे हो ना आप, ये ग्रीन है इसमें, यहाँ पे ये दिख रहा है ग्रीन, और इस पर ऊपर लिखा हुआ है 100, ठीक है ना जी। तो इसमें आप हाईवे पे 100 से ऊपर नहीं चल सकते। ये देखो ग्रीन है, 50, 70, 60, 63, इस तरह से आपकी स्पीड बताएगा। तो आपको 100 से ऊपर नहीं जाना इसमें, यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो भी गाड़ी 100 से ऊपर जाएगी ना, उसको ये रेड कर देगा तुरंत। आप देखना जब 100 से ऊपर जाएगी तो एकदम रेड कर देगा, वरना ये ग्रीन रहेगी। तो इसका जो नियम है दोस्तों वो ये है कि जैसे ही आप 100 से ऊपर क्रॉस करोगे तो ये ऊपर रेड हो जाएगा। रेड होने का मतलब ये है कि आप ओवर स्पीड गए हो। जो सिग्नल जाएगा, जो हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पे टीम बैठी रहती है, उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कंप्यूटर में, और वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं पूरे, देख रहे हो दोनों तरफ कैमरे हैं। उस तरफ भी जो गाड़ियाँ जा रही है हाईवे, उस तरफ भी है, इधर भी है, दोनों तरफ है। तो जैसे ही आप ओवर स्पीड गए, रेड हुआ, रेड होने के बाद आपका कैमरे से उसी गाड़ी का नंबर दिखा जाएगा कि कौन सी गाड़ी गई थी, किस गाड़ी को इसने रेड किया, उस गाड़ी का नंबर निकाला जाएगा कैमरे से, और भैया चालान भेज दिया जाएगा आपके घर। आप घर पहुंचोगे, अगले दिन आपके पास आएगा मैसेज कि जी 2000 रुपये का चालान है ओवर स्पीड पे, और ये एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ। बाकी जितने भी नए बने हैं, दिल्ली मुंबई है, दिल्ली मेरठ है, और भी नए एक्सप्रेसवे है ना, सब पे इसी तरह से काम चल रहा है। क्योंकि मैनुअली ना इन चीज़ों को कर नहीं सकते। आप देखो पीछे से कितनी गाड़ी आ रही है, कोई ओवर स्पीड नहीं गई पिछले एक मिनट से, आप देख रहे हो ना, कोई ओवर स्पीड नहीं है, है ना। ये देखो कोई नहीं जा रहा, और सब कुछ कंट्रोल इसकी वजह से हो रहा है। अगर ये ना हो ना तो पूरी ओवर स्पीड जाए, सब एक्सीडेंट हो, दुर्घटनाएं होगी। लेकिन अगर इसको मैनुअली करें, मान लिया हम सड़क पे पुलिस खड़ी करें, तो नहीं हो पाएगा कंट्रोल। पुलिस भी एक गाड़ी या दो गाड़ी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन भाई टेक्नोलॉजी के जरिए ना जितनी भी लाखों गाड़ी अगर यहाँ से गुजरेगी तो लाखों की लाखों कंट्रोल होगी, और जितनी भी ओवर स्पीड होगी चलान होगा। और सबसे मजे की बात दोस्तों इसकी पता क्या है, मंत्री हो, वीआईपी हो, अधिकारी हो, कोई टेंशन नहीं, सबका चलान होगा। क्योंकि पुलिस खड़ी है तो पुलिस को आप कहोगे भाई मैं स्टाफ से हूँ, पुलिस से हूँ, तो छोड़ देगी आपको। आप कहोगे जी मैं तो पूर्व विधायक हूँ, छोड़ देगी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ क्या है, आपको टेंशन ही नहीं, आप ओवर स्पीड गए, बस नंबर से चलान होना आपका, चाहे फिर आप मंत्री हो, चाहे आप अधिकारी हो, पुलिस में हो, कहीं हो, आपका चलान सिर्फ नंबर से होना है। तो ये चीज़ बढ़िया है, क्योंकि सबके लिए फिर सेम हो जाएगा, एकदम सेम हो जाएगा भाई, कोई ऊपर नीचे नहीं, एकदम चलान होना है तो होना है, ओवर स्पीड गए तो गए। तो इस पर बताओ आपकी क्या राय है कमेंट करके, कैसा ये आप